तो बताइए इस बार के गरबे में आप लोगों ने क्या खास रखा हुआ है? सबसे पहले तो जय माता दी। इस बार फिर से नव दुर्गा गरबा महोत्सव का दूसरा साल है 2.0 जिसको हम लोग बोलते हैं। इस बार नया पूछिए तो बहुत कुछ नया है। अभी ट्रेंड में क्या चलता था, जैसे दो ताली, सात ताली, तीन ताली, फिर हीच, फिर तीन ताली एडवांस, ये गरबा चलता था। इस बार और कुछ नया लेके आए हम लोग, बॉलीवुड गरबा लेके आए जो कि दमों में अभी तक हुआ नहीं है। और हम लोग हर साल नवरात्रि के 9वें दिन बॉलीवुड गरबा करते हैं जिसमें 90s के सॉन्ग्स होते हैं, पुराने सॉन्ग्स होते हैं। और नया इसमें ये है कि इस बार हम लोग ने 14 ताली रखा है, 20 ताली रखा हुआ है और बहुत सारे गुजराती सॉन्ग्स हैं। इस पर नए नए स्टेप्स लेके, जैसे ढाकला इस बार लेके आए हम लोग, जो कि कुछ दिन बाद से 20 तारीख से हम लोग की एडवांस स्टेप्स की प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। मैं चाहूँगा हमारे कोरियोग्राफर स्पेशलिस्ट भरत भैया और नितिन शिवा एंड जिया दीदी और मैं आप सबको कोरियोग्राफी करा रहा हूँ। और स्पेशली मैं ये बोलना चाहूँगा हमारे बॉलीवुड म्यूज़िक इस बार इन्वॉल्व है। इस बार जो धमाका होने वाला है आप लोग तैयार रहें। इस बार हमारा धमाका शहर का सबसे अच्छा धमाका करने का इरादा है और आप लोग सहयोग करें। नीलकमल गार्डन में आपका ये गरबा महोत्सव हो रहा है, नव दुर्गा गरबा उत्सव महासमिति के साथ 2.0 स्टार्ट होता है अब इस बार फिर नया कुछ। और माँ दुर्गा लहंगा हाउस आपका इस बार नया कलेक्शन लेके आया है, आप लोग विजिट करें, आपको फुल सपोर्ट मिलना चाहिए, मुझे बस यही चाहूँगा। दमोह की जनता का कैसा रिस्पॉन्स है इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। मैं बताना चाहूँगा हमारी दमोह की जनता के लिए, आप खुद देख सकते हैं अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, हमारे 7 से 8 दिन हुए हैं गरबा में, 300 से ज़्यादा पार्टिसिपेट ज्वाइन हो चुके हैं और अभी भी कंटिन्यू चल रहे हैं। हम लोग स्टॉप कर रहे हैं, वॉइस की एंट्रीज क्लोज हो चुकी हैं और कपल्स एंट्रीज बस बाकी हैं अभी, आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। और हमारी गुजराती टीम भी हमारे साथ काम कर रही है, स्पेशली उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे हम सब।